हेलो दोस्तों, मेरा नाम लौकी है और मेरे चैनल का नाम लौकी की दुनिया है और मेरी बेटी के चैनल का नाम गधी की दुनिया है। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि YouTube पर मैं अपने लिए नए नए दोस्त बनाने के लिए आया था, लेकिन मेरी बेटी ने दुनिया भर में मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ये मेरी वही बेटी है जिसकी हर गलती पर मैंने इसका साथ दिया, यानी कि इसको बढ़ावा दिया। आज इसी बात की मुझे सजा मिल रही है। दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सब कभी भी गलत का साथ मत देना, चाहे कोई आपका सगा हो चाहे कोई पराया हो, क्योंकि गलत चीज को भगवान देख रहे होते हैं, भले ही हम उसको दुनिया से छुपा लें। आप ही बताओ दोस्तों, जब मेरी बेटी गधी बारिश में भीगती हुई बाहर खाना खाने जाती है तो वो बोलती है कि अगर वो बाहर खाना खाने नहीं जाएगी तो होटल वालों का बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन आप ही बताओ दोस्तों, अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो क्या शराब बनाने वाली कंपनियों पर ताला नहीं लग जाएगा? मेरी बेटी को होटल वालों की चिंता है तो मुझे शराब बनाने वाली कंपनियों की चिंता है, और मैं उनकी चिंता क्यों ना करूं? आप ही बताओ दोस्तों, ये कैसे दोहरे मापदंड है मेरी बेटी के। दोस्तों, मेरी बदनामी तो बहुत हो चुकी है, फिर भी अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, मैं दारू की बोतल मुंह में लगाकर पैदा तो नहीं हुआ था ना। अनारकली से शादी होने के बाद मैंने पीना शुरू किया था। जैसे कि मेरी बेटी आपको पहले भी बता चुकी है कि मेरी पत्नी की शादी उसकी बिना मर्जी के मुझसे हुई थी। उसको मैं पसंद भी नहीं था, क्योंकि वो अपने लिए कोई राजकुमार जैसा इंसान चाहती थी और उसको मिल गया मैं, इसलिए वो मुझे हमेशा दुत्कारती रहती है, मुझे इग्नोर करती रहती है, मेरी इंसल्ट करती रहती है। मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों की भी इंसल्ट करती रही वो आज तक। यहाँ तक कि उसने यानी अनारकली ने कभी भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने बच्चों के लिए न अच्छी माँ थी और न मेरे लिए वो एक अच्छी पत्नी थी। एक तरह से कह सकते हैं कि मैं डबल होने के बाद भी सिंगल पेरेंट ही था। अपने बच्चों के लिए कमाता भी मैं ही था और घर में आकर खाना भी मैं ही बनाता था, घर के सारे काम मैं करता था। मेरी पत्नी कुछ नहीं करती थी, सुबह शाम सिर्फ लड़ाई झगड़ा करती थी, सुबह से रात तक सिर्फ लड़ती रहती थी। मेरी पत्नी सुबह से रात तक सिर्फ मनुष्यत फैलाती रहती थी, घर में सुबह से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी बिना वजह ही। वैसे आप लोगों को ये सारी बातें मेरी बेटी गति पहले ही बता चुकी है। वैसे कहते हैं कि बच्चे की पहली गुरु माँ होती है और पहली पाठशाला बच्चे का अपना घर होता है, तो आप ही बताओ गति क्या सीखती? जब उसने अपनी माँ को ही कभी घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए नहीं देखा, कभी खाना बनाते हुए नहीं देखा, कभी बच्चों की केयर करते हुए नहीं देखा, कभी पति की केयर करते हुए नहीं देखा, तो गधी ने भी वही सीखा। लड़ाई झगड़ा करना सीखा अपनी माँ से, लापरवाहियां सीखी अपनी माँ से। जिस तरह से मेरी पत्नी को घर के कामों से डर लगता था, उसी तरह मेरी बेटी को भी घर के कामों से डर लगता है। मेरी पत्नी के चैनल जा बेटी की दुनिया पर वो जो भी काम दिखाती है ना, वो सिर्फ कैमरा के लिए ही होता है। अगर कैमरा ना हो तो वो घर का इतना भी काम ना करे। आप ही बताओ दोस्तों, अगर वो घर के काम ठीक से करती तो हमारा घर इतना गंदा रहता क्या? मैंने अभी भी उस दिन शराब यूं ही नहीं पी ली थी। एक दिन पहले ही मेरा मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था। मेरी पत्नी ने पहले से मुझ पर हाथ उठाया था, इसी वजह से मेरे हाथ में चोट लगी थी। फिर मैंने उसको भी धक्का दे दिया और वो गिर पड़ी, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई। लेकिन मेरी बेटी ने झूठ बोला कि बच्चे के खिलौने में उसका पैर फंस गया इसीलिए वो गिर गई, और मेरी पत्नी ने अपने चैनल पर बोला कि उसकी सलवार का पोंछा फट गया था जिसमें उसका पैर फंस गया और वो गिर गई। कितना अच्छे से झूठ बोल गई वो दोनों। दोस्तों, शराब पीना अच्छी बात तो नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब घर की औरतें मेरे घर की औरतों जैसी निकम्मी और बदतमीज हो ना, तो इंसान क्या करे। अगर इन दोनों की मैं कुटाई कर दूं तो आप लोग उसे डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दोगे, और अगर मैं चुपचाप बर्दाश्त करूं तो कितने दिन बर्दाश्त करूं? मेरी पत्नी और मेरी बेटी की वजह हमारी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रह गई समाज के सामने। इन दोनों के लिए मैं सिर्फ एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं हूं, लेकिन गलती इसमें मेरी भी है। पहले मैं अपनी पत्नी की गलत बातों को चुपचाप सहन करके उसको बढ़ावा देता रहा, और फिर बेटी की भी गलतियों में बढ़ावा देता रहा। मेरी बेटी जब ससुराल वालों को बदनाम कर रही थी तभी मैं खींच कर उसके गाल पर दो तमाचे लगाता ना, तो ठीक था। वैसे तब भी वो कौन सा मान जाती, उसको जो करना था वो वही करती। आज मेरी बेटी बोलती है कि वो मुझ पर पुलिस केस कर सकती है।
तो इसमें कोई नई बात नहीं है। उसका तो शौक है पुलिस केस करना। आज मैं आप सबके सामने एक खुलासा करता हूँ। मेरी बेटी बहुत महान बनकर ये बोलती है ना कि ससुराल वालों पर वो कभी पुलिस केस नहीं करेगी, उसको उनकी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। पर सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरी बेटी ने अपने ससुराल वालों पर पुलिस केस बहुत पहले ही कर दिया था, अपने पति की मौत के 1 महीने बाद ही, उनकी जायदाद में से आधा हिस्सा मांगने के लिए। और वो केस आज भी चल रहा है। और उसके ससुराल वालों की तरफ से वकील गधी की सास का भाई है। आप लोग सोचते होंगे कि वो लोग इतनी बदनामी सहन करने के बाद भी चुप क्यों हैं? तो वो इसलिए चुप हैं कि वो जानते हैं कि मेरी बेटी उनको उकसा रही है ताकि वो कोई गलती करे और गधी उसका फायदा उठा ले और उसका केस मजबूत हो जाए। और उनके चुप रहने की दूसरी वजह यह है कि मेरी बेटी गति के देवर की अभी भी गवर्नमेंट जॉब लगी है, इसलिए वो नहीं चाहते कोई नया बखेड़ा खड़ा हो। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से हमारी दुनिया में तोहफों की बरसात हो रही थी। कोई हमें कुछ दे रहा था तो कोई हमें कुछ दे रहा था। यहां तक कि गति ने बोला था कि दादा दादी ने उसके बेटे के लिए एक गिफ्ट भेजा था, लेकिन यह सब झूठ है। हम सब कुछ खुद खरीदते हैं। लेकिन गधी झूठ किस लिए बोलती है आपसे? क्योंकि वो आप लोगों को बेवकूफ बनाना चाहती है। अगर आप लोगों को पता चल गया कि इतनी सारी चीजें उसने खुद खरीदी हैं, तो ऐसा ना हो कि आप लोगों की दया में कोई कमी आ जाए। मेरी बेटी लाखों रुपए आप लोगों को पागल और बेवकूफ बनाकर कमा रही है, आप लोगों की झूठी सहानुभूति हासिल करके कमा रही है। तो आप सब बनते रहिए बेवकूफ और डॉलर्स की बारिश करवाते रहिए हमारी दुनिया में, ठीक है? और हाँ, लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ आप सबसे। अगर किसी के घर की लेडी बॉस ही खराब हो तो भगवान भी उस परिवार को बर्बाद होने से नहीं बचा सकते। तो आप लोग क्या चीज हो, प्लीज आप लोग मेरी पत्नी को कोई भी अच्छी सलाह ना दिया करें और ना ही कोई भी अच्छी सलाह मेरी बेटी को दिया करें, क्योंकि मेरी बेटी को अच्छी सलाह देने वाला उसको दुश्मन लगता है अपना। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें सलाह देकर अपना समय बर्बाद ना करें।